डियर स्टूडेंट्स, पिछले 2 दिनों से आप देख रहे होंगे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, चाहे वो क्वेश्चन के सेट में हो चाहे दूसरे मामले में हो। इसका एक बड़ा कारण यह था जो आज बहुत ही दुखद घटना के रूप में सामने आया। हम लोगों के परिवार के एक बड़े महत्वपूर्ण सदस्य, हमारे ब्रदर इन लॉ, जो हम लोगों के साथ ही रहते थे, यंग थे, 54-55 बरस की उनकी उम्र रही होगी, कल उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। वो कोलकाता में टाटा हॉस्पिटल में कैंसर से पीड़ित थे। 3-4 महीनों से लगातार वो भर्ती थे, काफ़ी घर के लोग परेशान भी थे। हालांकि कहने को तो वो हमारे ब्रदर इन लॉ थे, लेकिन चूंकि साथ रहते थे तो काफ़ी प्रभाव था उनका और काफ़ी मिलजुल कर वो रहते थे। 2-3 महीनों से ये परेशानियाँ चल रही थी, लेकिन अभी 2-3-4 दिनों पहले ये मामला काफ़ी सीरियस हो गया और खबरें मिलने लगी थी कि मामला अब ज़्यादा गंभीर होगा। और कल इसका अंतिम परिणाम सामने आया कि कल वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और इसके कारण पूरे घर में एक तरह का विलाप का माहौल है, चीत्कार की स्थिति है, घर का माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ है और चाह कर भी हम व्यवस्थित नहीं कर पाए। चूँकि जब इस तरह की स्थिति आती है तो लोग आपसे भी उम्मीदें करते हैं कि कॉन्सोलेशन में, सांत्वना में या दूसरे मामलों में आप साथ दें। इसलिए आप लोगों से हम 5 दिनों का समय ले रहे हैं। 20 तारीख तक हम आप लोगों से छुट्टी ले रहे हैं। 21 अप्रैल को हम फिर फुल फ्लेजेड आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। इस बीच 4-5 दिनों का आप हमें छुट्टी दे दें, चूँकि अच्छा नहीं लगता कि परिवार के सदस्य, हमारी वाइफ के चूँकि ओन ब्रदर थे और यंग ही थे, अब छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, तो घर की स्थिति थोड़ी गड़बड़ाई हुई है और हमें भी ग्लानी महसूस होती है जब हम अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं जितना हमारा योगदान होना चाहिए। चूँकि पढ़ाई को लेकर, अपने अपनी दिनचर्या को लेकर हम सदैव अपने आप को पृथक कर लेते हैं कि भाई हमें छोड़ दो, हमारा काम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। और कल भी ये स्थिति हो रही थी, ये सब सुनने के बाद भी हम अपने टेबल पर बैठकर काम कर रहे थे। सब लोग, माहौल पूरा भीड़ लग गया। फाइनली फिर हम उठे और ये सोचा कि 4-5 दिनों का आप लोगों से गैप लेते हैं। फिर 21 तारीख को हम पूरे फुल फ्लेजेड, पूरे उत्साह के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। इस बीच आप लोग ये ज़रूर कीजिए कि करंट अफेयर्स में हमारा फोकस इस बार ज़्यादा है। हमने बार बार कहा है, इस बार हम फिर से रिपीट कर दें कि ये जो टाइम मिल रहा है, ऐसा नहीं कि आप लोग ये सोचें कि बस छुट्टी हो गई। तो करंट अफेयर्स में आप SPD वाला और प्लेटफॉर्म वाला दो तो लेना ही है। ये अप्रैल मंथ का आ गया है, ये दोनों लेना है। अप्रैल मंथ 2021 का अभी सबसे लेटेस्ट आया है, और परीक्षा मंथन Lakshya 2 ये लेना है। और अगर आप ले पाएँ, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि 3 मैगज़ीन के बाद हमें ये उत्साह नहीं होता कि हम आपको फिर 4th मैगज़ीन का बोलें, लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं और काफ़ी करंट अफेयर्स के प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं, तो एक और मैगज़ीन जो हम कह रहे हैं घटना चक्र के लिए, अगर संभव हो तो ये घटना चक्र वाली आप ले लेंगे, अगर आप ले पाएँ। नहीं तो पहले वाला 3 ज़रूर आप ले लें, चूँकि हम जब लौट कर आएंगे 21 को फिर से हम आपको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग कहीं ज़्यादा इंक्लूसिव ढंग से और कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट के साथ हम आपके पास उपलब्ध होंगे। ये जो बीच में लीप है, उसके बाद जब हम आएंगे तो होपफुली कहीं अधिक कंटेंट्स के साथ आपके पास हम आएंगे और कहीं ज़्यादा अच्छे ढंग से हम लोगों की स्टडी आगे बढ़ेगी। तो अपना ध्यान रखें, हम आप लोगों से 4-5 दिनों का ये छुट्टी ले रहे हैं। 21 अप्रैल को फिर से हम आपके बीच उपस्थित होंगे। टेक केयर।